अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग A9 2018 मॉडल है इसका। अगर हम इसका बैकवर्ड मॉडल देखते हैं तो बैकवर्ड मॉडल बनता है इसका SM.A920F मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है और इस फ़ोन को आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना और इसका पिन पैटर्न और फिंगरप्रिंट आपने कैसे रिमूव करना है। तो दोस्तों, इसको आपने सबसे पहले यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की और इसका वॉल्यूम की है और यहाँ पर इसकी एक की लगी हुई है, इसको आपने तीनों की चारों को आपने इकट्ठा प्रेस करना है ताकि आपका ये फ़ोन कंप्लीट ऑफ हो सके। इस तरीके से आपने मुसलसल प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपका फ़ोन ये ऑफ हो, आपने इस पावर ये साइड वाली की और वॉल्यूम अप की को आपने प्रेस करना है और यहाँ पर आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो जैसे ही आपका फ़ोन ऑन हो, आपने इसको ऑन ऑफ की को छोड़ देना है और यहाँ पर आपने वेट करना है जब तक आपका ये फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन आपका जो है वो रिकवरी मोड में चला गया है। तो अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम डाउन की मदद से आपने यहाँ पर इसका वेब कैशे पार्टीशन है इसको आपने क्लियर करना है। तो अब आपने यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है और यहाँ पर यस और नो का पॉपअप आएगा। अब आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके इसको आपने यस पर लेकर आना है और यहाँ पर आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो आपका जो ये वेब कैशे है वो रीसेट हो जाएगा। अब आपने वॉल्यूम डाउन की मदद से इसको आपने यहाँ पर इसका जो वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट है इसके ऊपर लेकर आना है और इसका आपने ऑन ऑफ की प्रेस करना है। फिर आपने वॉल्यूम डाउन की मदद से आपने फैक्ट्री डाटा रीसेट पर लेकर आना है इस तरीके से। अब आपने इसका जो ये यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की है आपने प्रेस करना है इस तरीके से ताकि आपका जो वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट है वो कम्प्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसका जो ऑन ऑफ की है रीबूट के ऊपर लाकर, रीबूट सिस्टम नाउ है, यहाँ पर आपने ऑन ऑफ की प्रेस करना है और इसको आपने रीबूट करवा लेना है। तो यहाँ पर आपने दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका ये फ़ोन कम्प्लीट ऑन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं या 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। तो जब तक आपका ये फ़ोन कंप्लीट ऑन नहीं होता, आपने यहाँ पर वेट करना है। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का, आपका अगर कोई भी फ़ोन का प्रॉब्लम है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, तो वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनमाई कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन जब तक ऑन होता है, मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसकी जो अगली सेटिंग है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर टाइम लग जाता है बास टाइम, तो मैं यहां पर वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो जैसे ही हमारा ये फ़ोन कंप्लीट ऑन होता है तो मैं वीडियो को दोबारा प्ले करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसकी ये सेटिंग आएगी, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका ये कंट्री रीजन है, आप जिस कंट्री से भी हैं आपने इसका कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन है इनको अप्लाई करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर अगर वाईफाई ऐड करना चाहते हैं तो वाईफाई ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है, आपने स्किप कर देना है। अब आपने यहाँ पर
अगर आपका डाटा है एप्स वायरल का तो आप कॉपी करना चाहते हैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करके कॉपी कर सकते हैं, तो नहीं करना चाहते यहाँ पर आपने डू नॉट कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वेट करना है। तो यहाँ पर आपने आप जिस कंट्री से भी हैं इसका आपने टाइम डेट इसका सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अगर पिन और पैटर्न फेस लॉक फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप का ऑप्शन है स्किप कर देना है और यहाँ पर स्किप ऑलवेज कर देना है। अब आपने यहाँ पर इसका ये स्किप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अगर सैमसंग अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपने स्किप कर देना है और फिर आपने स्किप करना है और यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ये पिन पैटर्न लॉक था वो 100% रिमूव हो गया। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया सैमसंग A9 का आपने फैक्ट्री डाटा हॉट रीसेट कैसे करना है और इसका पिन पैटर्न फिंगरप्रिंट फेस लॉक आपने कैसे रिमूव करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।